अध्याय सात सन 1940 के दशक की बात है जसराज छोटे बच्चे थे और बड़े भाई पंडित मनीराम के साथ गुलबर्गा में एक प्रोग्राम के लिए गए थे वहाँ ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह पर भी गए थे एक जगह भीड़ लगी थी तो ये भी कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए कुछ खेल वगैरह देख रहे थे इतने में हैदराबाद के नवाब जही जंग वहाँ से अपनी मोटर में गुजरे वो जसराज का तबला सुन चुके थे और उसे बहुत पसंद करते थे वो खुद भी बहुत अच्छे तबला वादक थे हैदराबाद के निजाम हर साल ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने आते थे इस साल उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और उन्होंने अपने नवाब जंग को दरगाह शरीफ जाकर चादर चढ़ाने को कहा वह दरगाह पर चादर चढ़ाने गए और जसराज को खड़े देखा तो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया ऐसा जमाना तो था नहीं कि सड़क पर मोटर खड़ी ना कर सकें तो उन्होंने जसराज को खड़े देखा और कहा कि बच्चे आप हमारे साथ आ जाइए बड़े भाई साहब उधर कमरे में हैं सुनकर उन्हें बुलवा लेंगे ऐसा कहा और इन्हें लेकर जहां वो ठहरे थे निज़ाम की कोई बहुत बड़ी और खूबसूरत जगह होगी वहां ले आए वहां इन्हें लाकर पूछने लगे कि मियाँ आपका तबला कहाँ है यह जानकर कि तबला पंडित मणिराम के पास है उन्हें भी तबला सहित बुलवाया तानपुरा वगैरह मंगवाया और रात के दो बजे तक नन्हे जसराज से तबला सुना इन दोनों को रात में वहीं ठहरा लिया और अगले चार दिन के बाद जिस प्रोग्राम के लिए ये लोग गुलबर्गा गए थे तब तक वहीं अपने पास रुकने को कहा